हनुमान जी ने ये बहुत टाइम से हमारे साथ इसके बारे में बात की थी कि यू वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म ऑन सुसाइड्स अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. तो इसके बारे में बोलना बहुत ही ज़रूरी है कि ये चीज़ के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है, कि लोगों को ये लगता नहीं, लोगों को लगता है कि डिप्रेशन जो है वो एडल्ट्स की बीमारी है, या कोई एंग्जाइटी जो है या साइकेट्रिक इलनेसेस जो है वो सिर्फ एडल्ट्स को होते हैं और वो बच्चों में नहीं होते. बट ऐसी ये गलत बात है. बहुत सारा थ्रू आउट द वर्ल्ड ये देखा गया है कि सुसाइड्स अमंग चिल्ड्रन आर ऑन द राइज, डिप्रेशन एंग्जाइटी अमंग द चिल्ड्रन आर ऑन द राइज. नॉट ओनली दिस, many times children go into depression or other psychiatric problems because of too much addiction of gaming or mobiles. So because of that they are not able to cope up with their studies, or they are not able to make friends, they are not able to socialize properly. To jo bhi systems hoti hai jo aadmi ko कि माइंड को नॉर्मल रखे, उसके एक आउटफ्लो दो दे जिसके उसके मन में जो चल रहा है वो बंद हो जाती है, बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलवेज ऑन द मोबाइल, ऑलवेज ऑन द सोशल मीडिया, ऑलवेज ऑन द स्क्रीन गेम्स. सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सेकेंड चीज़ ये होती है कि बहुत सारे बच्चों में जो दूसरी जो बच्चों की साइकेट्रिक इलनेसेस है वो निगलेक्ट होती है, या लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता. जैसे कि वो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या होता है डिसलेक्सिया, जैसे कि आपने तारे ज़मीन का देखा होगा. तो उसमें जो ये होता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ADHD हो गया, इसमें बच्चों को जो साइकेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो स्पेशली बच्चों को होते हैं, पर बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच टू द मेंटल इलनेसेस उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता. उनके पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा पागल थोड़ी है, तो उसको मैं क्यों साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊँ. और फिर बाद में ऐसे होता है कि उस बच्चे को कुछ सीखने में तकलीफ हो रही है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये करना ही पड़ेगा, तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो, बहुत जल्दी हो. और उसके बाद में फिर वो प्रेशर ले लेके वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है. कभी कभी वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सब्सटेंस में जाता है, ड्रग्स लेने लगता है, या सिगरेट्स या अल्कोहल भी बचपन में ही. सो दीज आर ऑल द वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट पीपल आर अवेयर के जैसे कि बाकी के फिजिकल ऑर्गन्स की बीमारियां हो सकती है. अगर बच्चे को न्यूमोनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू, तो बच्चे को डिप्रेशन भी हो सकता है. और जैसे बाकी की बीमारियों का इलाज होता है, वैसे डिप्रेशन का इलाज होता है, डिसलेक्सिया का इलाज होता है, एंग्जाइटी का इलाज होता है, ADHD का इलाज होता है. एंड वन मोर थिंग इज के हमारी सोसाइटी में आजकल सोसाइटी हैज बिकम वेरी कॉम्पिटेटिव. हर किसी को चाहिए कि मेरा बच्चा हर चीज़ में आगे बढ़े, और वो एक 100-150 लोगों का बच्चों का क्लास है, तो 50 में से एक होता है जो स्कूल भी अच्छा करता है, जो क्रिकेट भी अच्छा खेलता है, गाना भी अच्छा गाता है, डांस भी अच्छा करता है. सो बहुत सारे जो बाकी के जो 49 बच्चों के माँ बाप है, उनमें से बहुत सारे उनके बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं कि नहीं, इस वो बच्चा इतना सब कर सकता है अच्छे से, तो तुम क्यों. तो बात ये होती है कि नॉट एवरीवन, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, ठीक है. तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि दे शुड डू व्हाट इज़ गुड फॉर देयर चिल्ड्रन, एंड नॉट जस्ट डू समथिंग जस्ट बिकॉज नेबर्स सन इज और द नेबर्स डॉटर इज डूइंग समथिंग. तो उस बच्चे के लिए क्या अच्छा है वो फाइंड आउट करना, और उसको जैसे कि ये नाम है विंग्स ऑफ वॉट, गिव विंग्स टू दैट चाइल्ड इज वॉट द पेरेंट्स शुड डू. तो अगर सचिन तेंदुलकर को कोई बोलता कि भाई नहीं, तुम APJ अब्दुल कलाम जैसे रिसर्च करो, तो प्रॉबेबली ही वुड हैव नॉट बीन व्हाट ही इज. बाय द वे आई थिंक
मोस्ट ऑफ यू नो दैट सचिन तेंदुलकर हैज नॉट इवन पास 12th स्टैंडर्ड, बट उसकी जो फील्ड है उसमें वो गॉड है. और सेम होता उल्टा, अगर APJ अब्दुल कलाम को आप क्रिकेट खेलने भेजते तो उनको कुछ जमता ही नहीं. तो जो बच्चा है उसमें जो टैलेंट है उसको देखना और उसको विंग्स देना, दैट शुड बी द मेन क्राइटेरिया, रादर देन मेकिंग एज इफ एवरी हर एक बच्चे को एक ही मापदंड से तोड़ना, वो गलत है. और उसमें ऐसे अगर जब किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है बच्चों के ऊपर, तो बच्चे काफ़ी सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं. एंड नॉट ओनली द सुसाइड, बट मेनी टाइम्स ये बचपन की जो चीज़ें हैं वो बाद में उनकी एडल्ट लाइफ में भी उनको अफेक्ट करती है. बहुत बार बचपन में वो कुछ सुसाइड नहीं करेंगे, बट वो एडल्ट बन जाएंगे तब तक उनका वो चलता रहेगा कि नहीं नहीं मैं तो बचपन से ही फेल्यूर था. जैसे यस्टरडे आई वॉज मीटिंग अ गर्ल हु इज़ इन आर्किटेक्चर, और वो मुझे बता रही थी कि मैं 6th स्टैंडर्ड से आई एम अ फेल्यूर, ऑल्दो शी इज डिसेंटली इंटेलिजेंट, डिसेंट स्कोर्स लाए हैं, बट द मदर हैड एक्सपेक्टेशन कि उसने फर्स्ट ही आना चाहिए. सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो बचपन से उसने अपने मन में वो दबा के रखा है. एंड इट इज़ कमिंग आउट नाउ व्हेन शी इज़ इन आर्किटेक्चर एंड अवे 22-23. तो सिर्फ सुसाइड ये चीज़ नहीं होती, इट इज़ अ कंग्लोमरेट, बहुत सारी चीज़ें होती है. और फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट देर आर सम थिंग्स विच आर विच नीड प्रोफेशनल हेल्प. एंड वन मोर थिंग पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड इज दैट बहुत सारे पेरेंट्स का एड्रेस. तो विक्रांत जी ने बहुत अच्छा इशू उठाया है कि सुसाइड अमंग चिल्ड्रन, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट वेरी लेस स्पोकन अबाउट टॉपिक. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड फिल्म इज फिल्म जो एक मीडियम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है, क्योंकि लोगों को ईजीली लोग उसकी तरफ जाते हैं. अगर कोई बुक लिखता है तो उसका जो रीच होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू द फिल्म. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एक सीरियस इश्यू के ऊपर फिल्म बनाई है. ओके सर.